नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार के इस फैसले से सीलिंग पंखा होगा 20% महंगा। पंखे को बिजली बचत करने वाली स्टार रेटिंग के साथ बेचना 1 जनवरी से अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम से जो सीलिंग फैन है उसके दामों में 8 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। वह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है बी उसके संशोधित मानकों के अनुरूप अब बिजली की बचत करने की क्षमता के आधार पर यहाँ पर बिजली से चलने वाले पंखे को स्टार रेटिंग यहाँ पर दी जाएगी। वे एक स्टार रेटिंग वाला पंखा कम से कम 30% बिजली की बचत करता है, जबकि 5 स्टार वाला पंखा जो है 50% से अधिक जो बिजली है वो बचा लेता है। वह इस बदलाव का जहाँ हेवल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और इसके अलावा उषा इंटरनेशनल जैसी प्रमुख फैन कंपनियां जो है उन कंपनियों ने यहाँ पर स्वागत किया है, वही इसे पंखों के दामों में यहाँ पर 5 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी की आशंका है। दरअसल 5 स्टार वाले पंखों में आयातित मोटर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाने से उनका लागत जो है बढ़ जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पंखा जो है वो बनाने वाली कंपनियां को पंखों पर बिजली बचत करने वाले स्टार रेटिंग का लेबल लगाना जरूरी होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो चीन और अमेरिका के बाद भारत बना दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट। निकले एशिया ने शुक्रवार को बताया कि पहली बार भारत ने पिछले साल ऑटो सेल में जापान को पछाड़ दिया है। दरअसल पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। वह देश में नए वाहनों की कुल बिक्री से कम से कम यहाँ पर 4.25 मिलियन यूनिट यहाँ पर रही, जो कि जापान बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से अधिक है। वही मैन्युफैक्चरर के अनुसार भारत में जनवरी और नवंबर 2022 में कुल 4.13 मिलियन नए वाहनों की डिलीवरी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि कमर्शियल वाहनों के लिए लंबित यहाँ पर चौथी तिमाही के बिक्री के आंकड़े शामिल करने के साथ साथ टाटा मोटर्स और अन्य वाहन निर्माता द्वारा जारी किए जाने वाले साल के अंत के परिणामों के साथ भारत में बिक्री की मात्रा में वृद्धि होगी। वही चीन के अंदर 2021 में कुल 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ ग्लोबल ऑटो मार्केट में चीन सबसे आगे रहा है। वही 15.4 मिलियन वाहनों के साथ अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद जापान 4.44 मिलियन यूनिट के साथ रहा था। 2018 में भारत में लगभग 4.4 मिलियन जो वाहन धोए बेचे थे, लेकिन 2019 में वॉल्यूम 4 मिलियन से कम हो गए थे। वह मुख्य रूप से वर्ष नॉन बैंकिंग सेक्टर और क्रेडिट संकट के आंकड़े कम देखने में यहाँ पर उसमें मिले थे। वह कोविड से जुड़े लॉकडाउन ये 2020 में 3 मिलियन से नीचे यहाँ पर गिर गए थे। हालांकि 2021 में बिक्री जो है बढ़ी थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में भीषण ठंड का असर, सारे स्कूल 15 जनवरी तक किए गए हैं बंद, सरकार ने जारी किया है आदेश। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर सरकार ने आदेश दिया है कि शिक्षा निदेशालय के तहत सभी प्राइवेट स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। वही सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है। वही दिल्ली में कुछ स्कूल है 8 जनवरी तक यानी कल तक बंद थे, वही आज यहाँ पर खुलने वाले थे। हालांकि इस आदेश के बाद अब छुट्टियां जो है 7 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। वही दिल्ली की सरकार के जो सरकारी स्कूल है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे, यानी 15 तारीख तक बंद रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर शिक्षा निदेशालय की ओर से जानकारी आप दी गई है। तो बता दें आपको कि वर्तमान में उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं का असर है। वह चंडीगढ़ इसके अलावा त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में कोहरा आने वाले 2-3 दिन तक जमकर कहर डालने वाला है। इसी के चलते मौसम विभाग ने इन राज्यों में अलर्ट भी जारी किया है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में 8 लाख फ्री डिश सेटअप बॉक्स देगी सरकार, कैबिनेट ने योजना को दी है मंजूरी। केंद्र सरकार लाखों घरों में फ्री डिश सेटअप बॉक्स पहुंचाने की योजना बना रही है। वही इकोनॉमिक सेफायर की कैबिनेट कमेटी ने इस प्रस्ताव को जो मंजूरी है वो दी है। इस बाबत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव दिया गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना को ब्रॉडकास्टिंग प्रोटेक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट नाम इसको दिया गया है। वही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी योजना के लिए कुल यहाँ पर 2,539 करोड़ रुपए के बजट को यहाँ पर मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश में 8 लाख लोगों को मुफ्त सेटअप बॉक्स जो है वो दे दिया जाएगा यानी बांटा जाएगा। भाई गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने पहले अपकमिंग डाउनलोडिंग लिंकिंग को लेकर मतलब जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर जारी किए थे, जिसके तहत हर रोज यहाँ पर 30 मिनट तक जनहित से जुड़े प्रसारण जो है यहाँ पर करने की बात यहाँ पर कही थी। सरकार की ओर से इस बारे में बात कही गई थी। वही सरकारी योजना के अनुसार प्रसार भारती, भारतीय दूरदर्शन और इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। वह प्रसार भारती के जरिए देश में
सरकार स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन सहित अन्य दूसरे जो यहाँ पर सूचना है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करती है, खासकर ग्रामीण और रिमोट इलाकों में इसका जो प्रयोग है लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए किया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एफडी कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। न्यू ईयर पर ग्राहकों को मिल रहा है गिफ्ट, अब एफडी पर 8-9% तक मिलेगा ब्याज, ये बैंक दे रहे हैं ऑफर। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ने लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, जिसके चलते बैंकों ने एफडी और सेविंग समेत विभिन्न बचत योजनाओं में ब्याज दरें बढ़ा दी है। वह नए साल में जनवरी के पहले हफ्ते में बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। वही बड़ी वित्तीय दर है वो 2 करोड़ रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट पर लागू होगी। वही कुछ आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि आरबीआई फरवरी 2023 में एक और बढ़ोतरी करने की घोषणा कर सकता है या फिर लागू कर सकता है। इसे आने वाले दिनों में ब्याज दरें और बढ़ने की संभावना जो है वो जताई गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए। बजट से पहले सरकार का तोहफा, इन लोगों को अब नहीं भरना होगा रिटर्न। बजट 2023 पेश होने में बस कुछ ही दिनों का यहां पर समय रह गया है। एक बार फिर यहां पर टैक्स में छूट की मांग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ऐसा होगा या नहीं ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह राहत 75 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक जो नागरिक है उनके लिए यहाँ पर दी गई है। दरअसल बात यह है कि वित्त मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कहा है कि 75 साल से अधिक के ऐसे नागरिक जिनके पास आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक से आने वाला ब्याज है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल उनके लिए टैक्स में रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है, इसी को देखते हुए सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वही सरकार ने छूट देने के लिए यहाँ पर इनकम टैक्स अधिनियम की नई धारा जो है वो जोड़ी है। 75 वर्ष से अधिक नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियमों में संशोधित किया गया है। वही इनमें धारा जो है सेक्शन 194P को जोड़ दिया गया है। वही सरकार द्वारा किए गए बदलाव की जानकारी बैंकों को यहाँ पर दे दी गई है।